मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा कृषि राज्य है। मध्य प्रदेश के किसानों का खेती पर भरोसा बना रहे इसके लिए सरकार ने केवल एक साल में मौसम की मार से फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए 47,51,000 किसानों को 3,048,50,000 रुपयों का मुआवजा बांटा है। इसी तरह फसल बीमा योजना में 17,80,000 किसानों को 2,504 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। कृषि विभाग द्वारा अपनी योजनाओं में 1,80,000 किसानों को 237,46,000 करोड़ रुपए के अनुदान दिए गए हैं। धान, गेहूं और मक्का फसलों पर समर्थन मूल्य पर बोनस का लाभ 12,82,527 किसानों को 1,327 करोड़ 73 लाख रुपए के रूप में मिला है। 37,84,000 किसानों को सिंचाई पंपों पर 4,667 करोड़ रुपयों का अनुदान दिया गया। 0% ब्याज पर सहकारी ऋण का लाभ 31,37,000 किसानों ने 560 करोड़ रुपए के रूप में लिया है। केवल वर्ष 2013-14 में ही 1.5 करोड़ किसानों को 12,345 करोड़ रुपए की राशि का लाभ मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, आप सबके मेहनत और परिश्रम से आज मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में देश का सरताज है। हमारी कृषि विकास दर 25% के आसपास है, लेकिन ये पड़ाव है, मंजिल नहीं है। अभी हमें और आगे बढ़ना है, खेती को लाभ का धंधा बनाना है, और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार कृषि महोत्सव का आयोजन कर रही है। कृषि महोत्सव में आइए, नई तकनीकी अपनाइए, खेती को लाभ का धंधा बनाइए। स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाए।